बिहार में आई बाढ़ ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। इन दिनों न्याय का मंदिर भी जलमग्न हो चुका है। आलम यह है कि न्यायालय को भी नाव पर सवार होना पड़ा। मामला नवगछिया का है, जहां कोर्ट परिसर के पूरी तरह बाढ़ में डूब जाने से नाव के जरिए कोर्ट को दूसरे स्थान पर ले जाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से न्याय देने वाले जज से लेकर दलील पेश करने वाले वकील तक नाव के सहारे कोर्ट शिफ्ट कराने में जुटे हुए हैं। कोर्ट में केस की सुनवाई थी, कोर्ट में वकील भी पहुंचे और जज भी, लेकिन अदालत का स्थान बदला हुआ था। दरअसल जज और वकील कागजातों के साथ नाव पर सवार होकर दूसरे स्थान पर निकल पड़े। फिलहाल कोर्ट परिसर में करीब 8 फीट तक पानी भर चुका है, लेकिन कोर्ट के ACJM का दावा है कि कोर्ट के सारे अभिलेख सुरक्षित हैं और इस आपदा में भी न्यायिक प्रणाली जारी है, मतलब कि काम अभी भी चल रहा है। इस्माइलपुर के लक्ष्मीपुर के पास बांध टूटने की वजह से आई बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से बिहार का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हर कोई सुरक्षित स्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। देखते रहिए DB Live।